तो कहीं ना कहीं यह ट्रेन जो है सिर्फ दो सभ्यता संस्कृतियों का मिलन नहीं करेगी, बल्कि जो मुसाफिर है उनके पॉकेट का भी ख्याल रखेगी कि बहुत कम पैसे में मुसाफिर जो है, जो वंदे भारत में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग, भारतीय रेल ने उनके लिए एक दूसरा मिनी वंदे भारत जो है वो ट्रेन तैयार कर दिया है। और इसमें जो सीट है, जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो बहुत कुछ जो है वो बहुत उम्दा ट्रेनों से मैच करती है। राजधानी या वंदे भारत ट्रेनों के जो में जो बहुत सारी चीजें हैं उससे मिलती जुलती ये ट्रेन है। और ऐसे में अगर आने वाले दिनों में सवारी गाड़ियों के परिचालन पर या इन अमृत भारत ट्रेन का अगर परिचालन बड़े पैमाने पर होता है, और मुझे लगता है कि भारतीय रेल इस ट्रेन के माध्यम से जो पुरानी जर्जर जो ट्रेनें हैं उनको रिप्लेस करने की तैयारी भी कर रही है, यानी भारतीय रेल अपने एक नए फ्लेवर नए तेवर के साथ मुसाफिरों के दिलों पर राज करने की तैयारी कर रहा है। और इसमें अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसकी जो एक नई टेक्नोलॉजी है अजय, वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये पुश पुल, मतलब जो दोनों ट्रेन के इंजन के बीच जो जगह खाली होती थी और ट्रेन में कई बार जोर का झटका लगता था, उस झटके से अमृत भारत एक्सप्रेस ने निजात दिला दी है। दोनों बोगियों के बीच में जो गैप था उस गैप को खत्म कर दिया गया है और ये ट्रेन जो है एक दूसरे बोगी को आराम से कनेक्ट कर रहा है, न सिर्फ टहल कर जाने के लिए बल्कि बोगियों के बीच में कोई गैप नहीं है जिससे ठीक है राजेश जी, जो है वो नहीं लगता। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे, हम और भी आपसे बात करेंगे अमृत ट्रेन की खूबियों के बारे में और कैसे ये एक नए मील का पत्थर साबित हो सकता है भारतीय रेलवे के। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत अलौकिक आधुनिक अयोध्या की जो तस्वीरें हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर ये जो रामपथ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और अयोध्या के जो वासी हैं वहां पर उनका स्वागत करते हुए और सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ये कोशिश करते हैं कि कोई छूट न जाए, जहां तक हो सके वो जनता के साथ संवाद करने का, अपने हाथों के अभिवादन के माध्यम से, अपने आँखों के माध्यम से लगातार सबसे बातचीत करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम स्वीकार करते हुए, स्वयं अभिवादन करते हुए, सभी के स्वागत का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं ये रामपथ की तस्वीरें। जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि सीधे जो आउटर बाईपास रोड है वहां से आप धर्म पथ पर प्रवेश करेंगे जहां पर शुरुआत की प्रधानमंत्री ने और भव्य स्तंभों के जरिए स्वागत किया गया उनका और सैकड़ों हजारों की संख्या में जनता ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद काफिला पहुंचा लता मंगेशकर चौक और वहां से फिर बाएं होते हुए रामपथ। ये रामपथ सीधे आपको लता मंगेशकर चौक से नई अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ेगी। और ये जो विकास की यात्रा है नई दिल्ली लखनऊ एक साथ जब मिलकर के काम करते हैं तो किस तरह की परियोजनाएं जमीन पर आती हैं उसकी एक वानगी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप उत्साह देखिए अयोध्या वासियों का, अयोध्या वासी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि यहां के वासी श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वहां पर चलना ही प्रदक्षिणा है। अयोध्या में अगर आप नींद भी लेते हैं तो उसको समाधि कहा जाता है, वहां पर अगर आप भोजन करते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। स्पष्ट तौर पर आज बाबा नागेश्वरनाथ जो कि वहां के महादेव हैं बहुत ही प्रसन्न होंगे। लता मंगेशकर चौक पर जो राम की पैड़ी है वहां पर जिनका दिव्य भव्य मंदिर है वहां पर भी सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज लोगों का जमावड़ा होता है और भगवान महादेव आज बहुत ही प्रसन्न होंगे आज इस विकास यात्रा को देख करके, अयोध्या वासियों के मन में जो उत्साह है उसको देख करके और जो विकास की नई धारा बही है और जो सौगातें अयोध्या को मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में उसको देख करके अयोध्या के जितने भी लोग हैं स्वयं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस वक्त अपने अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। रामपथ से बढ़ता हुआ ये प्रधानमंत्री का काफिला, स्पष्ट तौर पर ये कहा जाता है कि जो अयोध्यापुरी है वो पापियों को दुर्लभ है, यानी जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, थोड़ी सिफारिश करनी है कि आपको अयोध्या पहुंचने का एक मौका मिले।
अयोध्या में माँ सरयू जब आपने देखा कि धर्मपथ से जाते हुए वो राम कथा पार्क के पास पहुंचे, लता मंगेशकर चौक बिल्कुल वहां से 100 से 150 मीटर दूरी पर माँ सरयू बहती हैं, और माँ सरयू के तट पर अयोध्या की अगर हम बात किए जाए तो अयोध्या का पूरा जो विस्तार है वो 12 योजन यानी 144 किलोमीटर लंबा और 3 योजन यानी 36 किलोमीटर चौड़ा, ये स्कंद पुराण में अयोध्या की गति और स्थिति बताई गई है। मिथिला से संबंध रखने वाले हमारे संवाददाता राजेश राज से हम बात कर रहे थे और बार बार उनका ध्यान आता है तो मैं मिथिला पहुंच जाता हूं, क्योंकि मिथिला के ही पूरी पीठाधीश्वर वो बार बार ये कहते हैं कि भारत विश्व का हृदय है, और विश्व जब हम कहते हैं तो विश्व शब्द का अर्थ केवल ये वास्तविक दुनिया जो हम आज देख पाते हैं 183 देशों की, वो दुनिया हमारे संस्कारों में हमारी संस्कृति में विश्व नहीं है, बल्कि विश्व का जो मतलब है जो अर्थ है वो विष्णु सहस्त्र नाम में पहला ही नाम भगवान विष्णु का विश्व है, और अनंत अनंत ब्रह्मांड उस विश्व में उस विश्व शब्द में समा जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है तो जो लोग ये समझते हैं नहीं है या फिर इस शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं वो इस बात को समझते नहीं है कि भारत भा यानी ज्ञान की धरती है, और भारत की धरती से ही विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो सकता है, हो रहा है और होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांड की गति और मति को हमारे ही शास्त्रों और जो संस्कारों हैं उससे समझने की, भगवान राम के स्वयं जीवन के जीवन से समझने की जो प्रेरणा मिलती है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये काफिला धीरे धीरे उस स्थान तक पहुँच चुका है जिसे अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब समझा जा सकता है। संवाददाता राजेश राज बता रहे थे कि आप रेलवे स्टेशन के परकोटे पर यानी उस शिखर पर पहुंच करके बहुत सारे मंदिरों के शिखर का भी दर्शन कर सकते हैं, वहां पे फूड प्लाजा में व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, प्रतीक्षालय में जाकर के आराम कर सकते हैं, और वहां से बिल्कुल पैदल यात्रा करते हुए श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि भगवान ये जो भारत है पूरे विश्व का हृदय है, उसी तरह से ये अयोध्या कहा जाता है वैकुंठ का हृदय है, और स्वयं जो स्वयंभू मनु हैं उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके वैकुंठ से पहले अयोध्या को लेकर के आए। लेकिन जब अयोध्या यहाँ पहुंची तो इस धरा में इस धरती में उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि इस नगरी को अपने ऊपर स्थापित कर पाए। भगवान शंकर की नगरी काशी जिस तरह से उनके त्रिशूल पे बसी है तो भगवान विष्णु को अपने चक्र को पहले भेजना पड़ा इस अद्भुत अलौकिक नगरी को स्थान देने के लिए। भगवान सुदर्शन चक्र सबसे पहले यहाँ आए, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 12 योजन लंबी यानी 144 किलोमीटर लंबी 36 किलोमीटर चौड़ी अयोध्या की धरती को भगवान सुदर्शन चक्र ने अपने ऊपर स्थापित किया, और आज भी माना जाता है कि ये मत्स्याकार जो अयोध्या की परिसीमा है गुप्तार घाट से लेकर के आज जो नया घाट जिसकी हम बात करते हैं ये तो बहुत छोटी सीमा है, लेकिन आप 144 केंद्र अगर आप उस राम जन्मभूमि को मान लें तो 144 किलोमीटर का दायरा आप अयोध्या को मान सकते हैं स्कंद पुराण के आधार पर, और उसी अयोध्या को पुनर्विकसित करने का, विकास के साथ साथ विरासत को संभालने का ये प्रण जो हमने विकसित भारत को बनाने के साथ में लिया है कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना है, उसका संरक्षण करना है, उसके निर्माण के लिए ये प्रयास लगातार निरंतर जारी है, और आज का दिन बेहद अहम। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और आशुतोष शुक्ल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, इस भव्य और दिव्य यात्रा के गवाह ये तीनों ही संवाददाता इस वक्त अयोध्या की धरती पर खुद मौजूद, और जिस तरह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि आपका बहुत पुण्य होना चाहिए अयोध्या की धरती पर कदम भी रखने के लिए, माँ सरयू के दर्शन करने के लिए, इन संतों के दर्शन करने के लिए, लेकिन आज एक विकास की यात्रा लोग इस वक्त धर्मपथ से होते हुए रामपथ के जरिए प्रधानमंत्री को स्वयं देख रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। कुछ पुरानी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, कुछ नई परियोजनाएं
उनका शिलान्यास किया जाएगा और क्या कुछ दिशा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के मन में है यहाँ की विकास की यात्रा को लेकर के, उसको आज देश के सामने रखा जाएगा जब वो आज करीब 1:30-2 बजे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मुखातिब होंगे। नए एयरपोर्ट का टर्मिनल बनकर के तैयार हो गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत ही अद्भुत क्षण, एविएशन मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क, 1.5 साल 2 साल में इस पूरे टर्मिनल बिल्डिंग को खड़ा करना। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यह पहला फेज है रेलवे स्टेशन का जिसे 5 गुना विस्तार दिया जाएगा, 20,000 यात्रियों की जो क्षमता है उसको बढ़ा करके 1,00,000 यात्रियों तक करने की योजना सरकार की बन चुकी है, रेलवे की बन चुकी है। उसी तरह से एविएशन मंत्रालय की जो योजना है वो मौजूदा टर्मिनल के पहले फेज को जब दूसरे फेज में विस्तार दिया जाएगा तो उसका आकार 10 गुना करने की है। आप यह समझिए कि हर रोज 1 से 1.5 लाख लोग अयोध्या की धरती पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्वागत करना, लोगों की रहने की व्यवस्था करना, लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी की, ठहरने की, रहने की, भोजन की, प्रसाद की, जो 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 स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाने हैं उसकी, उन सब की व्यवस्था करना यहाँ के अयोध्या नगर निगम के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा। लेकिन इसको नई अयोध्या के निर्माण में इन सभी कारकों का ख्याल रखा जा रहा है। स्पष्ट तौर पर जो नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है उसमें डेडिकेटेड जो सीवर लाइन है उसके साथ साथ जो ग्रीन टर्मिनल्स या ग्रीन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम पॉल्यूशन के साथ में, कम से कम प्रदूषण के साथ में जो निर्माण कार्य हैं उसको अंजाम दिया जाए। बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं चाहे वो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग हो, उसको कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए, नई हरित टेक्नोलॉजी के जरिए कम से कम प्रदूषण के साथ बनाया जाए, कम से कम समय में बनाया जाए, ये एक इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की गई। और लगातार फिर से हम वही आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कि कैसे भारत विरासत को और विकास को एक साथ लेकर के चलने का भरसक प्रयास कर रहा है। और ये अयोध्या की धरती से अब जो नई विकास की यात्रा निकली है वो देश को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब जनता, खास तौर पर युवाओं का जो आकर्षण है इन नई आधारभूत संरचनाओं के जरिए, जो पूरी दुनिया को आकृष्ट करने का, भगवान राम के धाम में आकृष्ट करने का जो प्रयास, उसकी शुरुआत हुई है, वो एक अनोखी पहल कही जा सकती है अयोध्या के विकास के लिए। आशुतोष शुक्ल, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल अजय, अजय मैं सुन रहा हूँ। तो इस विकास यात्रा को अब आपके जरिए हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यात्रा है विकास की यात्रा, अब यहाँ से आगे और कौन से पड़ाव तय करने जा रही है? बिल्कुल अजय, जिस तरीके से पड़ाव जो है वो इसका आखिरी कोई छोर नहीं होता है। विकास की यात्रा में अगर आप केवल मूलभूत सुविधाओं या संरचनाओं के विकास को विकास मानते हैं तो वह संपूर्ण विकास नहीं है। विकास में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, मानवता का विकास, समाज का विकास, निर्माण, ये सारी चीजें भी जुड़ती है। और यही सारा है, जब सत्ता का निर्माण होता है, किसी देश का निर्माण होता है, तो उसके पीछे एक वैचारिक अवधारणा होती है और उसी वैचारिक अवधारणा को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं अयोध्या में जो विकास का कार्य चल रहा है या फिर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है या जो यहाँ की धार्मिक आस्था लोगों में है उसके अनुरूप जो है यहाँ पर लोगों को आर्थिक विकास और धार्मिक रूप से सजगता जो है धर्म पथ पर चलने की जो प्रेरणा है, प्रेरणा के साथ जो है आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं भागीदारी हो, कितना समय लग सकता है और वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं अगर आपने जायजा लिया हो तो? देखिए, धर्मपथ से अगर लता मंगेशकर चौराहे की दूरी अगर हम रेलवे स्टेशन है और अगर हम संपूर्ण पवन की बात करते हैं, संपूर्ण परिधि जिसमें जो है राम जन्मभूमि स्थान, हनुमान मंदिर, सनक भवन या राम की तैल या लता चौराह और या फिर रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें जो है अयोध्या की कुल जवाब 5 किलोमीटर की परिधि में पूरी होती है। जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है आमतौर पर जो यहाँ पर धर्मार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए,
वो सरयू में स्नान करते हैं, पैदल हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो अपने स्थान पर कर जाती है। अयोध्या क्षेत्रफल में छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो कुछ भी इसकी भौतिक आधारभूत संरचना में विकास किया जा रहा है वो अयोध्या की मूल अयोध्या की जो पौराणिकता थी उसको सुरक्षित रखते हुए अयोध्या के बाहर के इलाकों में की जा रही थी। जो रामचरितमानस में अयोध्या के बारे में वर्णन है या पुराने समय से अयोध्या चली आ रही है, समग्र जो है नगर निगम का सरकार दोनों का यही है कि पौराणिकता आध्यात्मिकता के साथ जो है अयोध्या को जोड़े रखा जाए और साथ में निर्माण का काम हो जाए। मुझे थोड़ा सा अयोध्या नगर निगम के जो फोकस है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आशुतोष, की कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए इस नई अयोध्या का निर्माण किया और कितना बदलाव आया है वहाँ के जो अयोध्या वासी हैं इस नए आधुनिक सुविधाएं आने के बाद। देखिए अगर वास्तव में यह है कि बदलाव लाना एक बहुत बड़ी चुनौती, जो व्यक्ति पीढ़ियों से दुकान लगा करके और काम घाट पर बैठा था वह एक साथ दुकान में चला जाए, इसके लिए जो है समझा पाना ये भी एक प्रेरित चीज होती है और इसके लिए कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जब लोगों का जुड़ाव होता है चाहे वो नगर पालिका के महापौर हो या सरकार ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जनता से बोलती है, अपनी मनसा व्यक्त करती है और धीरे धीरे जब स्थिति अयोध्या में शुरू हुई तो पहले लोगों को लगा कि उनका रोजगार चला जा सकता है, उनके आर्थिक जीवन में चल जा सकती है, लेकिन जब पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ और उन्होंने देखा सात सज्जा से युक्त अयोध्या में धर्मार्थियों का भी संख्या बढ़ी है, उनका जो है बिक्री बढ़ी है, उनका उत्पादन बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जो है ये संतोष प्राप्त हो रहा है और आज तमाम सारे जो आधारभूत संरचनाएं सरकार यहाँ पर चला रही है लोग उसमें सहभागी होकर के उसके निर्माण में अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और ये जो तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने दर्शकों को, स्पष्ट तौर पर आज पदार्पण हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या की धरती पर और नए साल का तोहफा इंतजार प्रतीक्षा जनता जनार्दन की कि क्या कुछ नई घोषणाएं नई सौगातें आज अयोध्या को मिल सकती हैं। 11,000 करोड़ से ज़्यादा के परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि पहली बार अयोध्या में बन करके तैयार हुआ और उत्तर प्रदेश का देखिए 6 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, गोरखपुर के साथ में ही वाराणसी के बाद आप थोड़ा सा रुख करिए तो अयोध्या के बाद लखनऊ के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार होगा। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से गति देने की कोशिश की जा रही है और प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात में विकास का कार्य किया और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और उसका देश की जीडीपी में किस तरह से 11-12% के ग्रोथ के साथ एक ज़बरदस्त योगदान देखा गया जबकि वहाँ की आबादी सिर्फ 6 करोड़ के आसपास है, अगर उसके 5 गुने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर जनता तक विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में पहुँचाए जाएँ तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है और अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि आप आधारभूत संरचना का विकास कीजिए तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 रुपया लगाते हैं तो 1.5 रुपया वहाँ के स्थानीय जीडीपी में उसका योगदान बढ़ता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लेकर के जाने का प्रयास करते हैं जो कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है तो उसमें आज जो निवेश किया जा रहा है 250 से ज़्यादा परियोजनाओं के जरिए करीब 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के जरिए केंद्र और राज्य की सभी परियोजनाओं को अगर आप मिला लें तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए का जो घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और साथ ही साथ आपको याद होगा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो कि इसी साल 2023 में किया गया उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश को मिले उसमें अयोध्या के विकास कार्य से भी जुड़े कुछ परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र उस वक्त किया गया था उसका भी इम्पैक्ट आपको जमीन पर दिखाई देगा। मौका तो है श्री रामलला के विराजमान होने का 22 जनवरी का सभी को इंतजार था लेकिन उससे पहले नए साल का बोनस अयोध्या वासियों और अयोध्या के आसपास के जनपद निवासियों को आज प्रधानमंत्री ने दे दी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज वो एक रोड शो के बाद जो वहां का नया रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके अब अयोध्या धाम कर दिया गया है क्योंकि वहां से
वहां से जो दूरी है रेलवे स्टेशन की, केवल रेलवे स्टेशन से मुख्य राम मंदिर की केवल 3 से 3.5 किलोमीटर। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, क्या कहेंगे इस यात्रा को, इस विकास की नई यात्रा को, जो आज धर्म पथ से होते हुए राम पथ से होते हुए अब नए निर्माण के जो 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 जो, जो कहा जाए कि नई नई दिल्ली जो जो नई अयोध्या का रेलवे स्टेशन है वहां तक जा रही है, इस यात्रा को कैसे परिभाषित करेंगे आप? निश्चित तौर से अजय, अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। आज वो क्षण है जब अयोध्या का जो वैधव्य था, अयोध्या का जो वैराग्य था, उसका श्रृंगार पूरी दुनिया देख रही है। किस तरीके से अयोध्या में ही भगवान श्री राम का वनवास था वो समाप्त होने के कगार पर है। जब वो भव्य दिव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम लला के बाल रूप की, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना ये बताता है कि किस तरीके से सदियों की जो जनाकांक्षा है वो आकार लेते हुए अयोध्या के भव्य दिव्य नव्य स्वरूप को देख रही है। रामपथ आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, रामपथ ये पूरा का पूरा श्रृंगार हाट फैजाबाद और अयोध्या को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क थी उसको विस्तारित किया गया है। पतली सकरी सी सड़क होती थी जिस पर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, एक तरफ की एक ही लेन बराबर वो सड़क थी जिसको बढ़ाकर डबल किया गया है। आसपास के पूरे सड़कों का विस्तार किया गया है। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मपथ, ये 4 पथ बनाए गए हैं। और आज जो प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, उससे आगे अगर देखें तो